दोस्तों, बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और शाहरुख खान इन दिनों खूब सुर्खियों में बने हुए हैं। शाहरुख खान की फिल्म पठान जनवरी में रिलीज हुई थी और जिसने बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचाया था। वहीं अब कुछ दिन पहले सलमान खान की फिल्म किसी कमाई किसी की जान ने भी ठीक ठाक कमाई की थी। अब यह दोनों सितारे अपनी आने वाली फिल्म पठान वर्सेस टाइगर को लेकर खूब सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म में एक बार फिर दोनों का एक्शन अवतार दर्शक को देखने को मिलेगा, जो काफी एक्साइटेड होगा। वही मेकर भी पठान वर्सेस टाइगर को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं और अब फिल्म को लेकर एक बड़ा अनाउंसमेंट सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, खबर है कि पठान वर्सेस टाइगर में दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ नजर आने वाली हैं। और बता दें कि इससे पहले कैटरीना सलमान संग टाइगर फ्रेंचाइजी में नजर आ चुकी है। वहीं दीपिका आखिरी बार शाहरुख खान के साथ पठान में दिखी हैं। अब ये दोनों 24 जनवरी से इस फिल्म की शूटिंग करेंगे और दोनों अभिनेता इस फिल्म में अपनी पुरानी भूमिका ही निभाएंगी। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं और ये फिल्म काफी ज्यादा ब्लॉकबस्टर होने वाली है, जिसमें शाहरुख और सलमान के दोबारा साथ आने को दिखाया जाएगा। पठान वर्सेस टाइगर रिलीज डेट तो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन इस फिल्म को लेकर अभी तक फैंस के बीच काफी ज्यादा हाई बज देखने को मिल रहा है और ये फिल्म जब से आएगी ताबड़तोड़ कमाई करते हुए कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी। खैर दोस्तों, इस फिल्म को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं।